से रोड शो किया जा रहा है, लोगों का भीड़ वहां पर इकट्ठा हो चुका है। कानपुर में ये रोड शो प्रियंका गांधी की ओर से की जा रही है, देखिए। तो कानपुर में आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से रोड शो किया जा रहा है। ये वही कानपुर है जहां अभी 3 दिन पहले पीएम मोदी पहुंचे थे, और हालांकि उनके बाद लगातार यहां पर दिग्गजों का जमावड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। फिर चाहे आज बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, वो भी कानपुर पहुंचे हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी कानपुर पहुंचे, हालांकि उनसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कानपुर पहुंचे थे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी फिलहाल कानपुर पहुंच चुकी हैं। जनता के बीच आप देख सकते हैं जन समर्थन कितना ज़्यादा कांग्रेस को मिल रहा है। लोगों ने हाथों में कांग्रेस का झंडा लिया हुआ है, नारे लगाते हुए, नारे अलापते हुए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की जो ये रोड शो है, जो रैली है, वो शुरू हो चुकी है। लोग कांग्रेस को पूरा समर्थन दे रहे हैं, और ऐसे में देखिए पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद जो है वहाँ पर सुरक्षा को लेकर, पुख्ते इंतजाम को लेकर वो लगातार काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इस पर निगरानी रखी जा रही है, और भारी संख्या में वहाँ पर पुलिस बल तैनात है। और आसपास आप देख सकते हैं कि अगर आप पीछे तक भी नजरें दौड़ाएंगे तो आपको देखने में आएगा कि किस तरह लोगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है जो कि कांग्रेस को अपना समर्थन दे रहे हैं। रोड शो में शामिल होने के लिए लोग आज पहुँचे हैं। कानपुर में फिलहाल कांग्रेस की ये रैली हो रही है, रोड शो हो रहा है। प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं, उनकी ओर से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो कांग्रेस फिलहाल उत्तर प्रदेश में विलुप्त तो हो चुकी है, उस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक बार फिर से पहचान को खड़ा किया जा सके लोगों के बीच। और कहीं ना कहीं इसी का ये परिणाम है कि कांग्रेस की ओर से लगातार महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार 40% टिकट जो है कांग्रेस की ओर से महिलाओं को दी गई है, ताकि कांग्रेस जो है वो मजबूती के साथ धरातल पर आ सके, जनता के बीच आ सके। कई आम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची हैं उत्तर प्रदेश में, और जन समर्थन के लिए कहीं ना कहीं लोगों के बीच वो कई बार मौजूद भी रहती हैं। और साथ ही वो कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे फिर बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को घेरती रही हैं, और साथ ही इन्हीं मुद्दों के आधार पर वो लगातार लोगों से जन समर्थन भी मांगती रही हैं। यानी कि जहां एक तरफ बीजेपी अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनवा रही है, तो वहीं कांग्रेस फिलहाल सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता के बीच लेकर आ रही हैं। और प्रियंका गांधी की ओर से कोशिश यह की जा रही है कि जो अस्तित्व कांग्रेस का है, जो फिलहाल विलुप्त तो हो चुका है, उसको एक बार फिर से कायम किया जा सके, एक बार फिर से लोगों के बीच स्थापित किया जा सके, और इसका मोर्चा, इसकी कमान संभाली है खुद प्रियंका की महासचिव प्रियंका गांधी ने। और ऐसे में प्रियंका गांधी लगातार कई रोड शो, कई रैलियां करती नजर आती हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव करो या मरो जैसी स्थिति है कांग्रेस के लिए, ऐसे में कांग्रेस लगातार यही कोशिश कर रही है कि खोई हुई जो उनका आधार है उसको वापस से वो सत्ता में ला सके। कहीं ना कहीं लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी का होना, इसे दर्शाना, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के ऊपर ही है। हालांकि अगर आप आसपास देखेंगे तो भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, भारी सिक्योरिटी के बीच ये रोड शो आयोजित किया गया है कानपुर में। और देखिए रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी लोगों पर फूलों की वर्षा करती भी नजर आ रही है, और इस फूलों की वर्षा के साथ ही प्रियंका गांधी ये उम्मीद कर रही हैं कि इस बार जनता उनको समर्थन दे। हालांकि जनता समर्थन किसको देगी ये वक्त बताएगा, आने वाला 10 मार्च का तारीख बताएगा कि आखिर जनता का समर्थन किसको गया है। इस बार कांग्रेस को जनता का कितना समर्थन मिला है, कांग्रेस के एजेंडे को, योजना को कितना समर्थन मिला है, इन तमाम बातों का परिणाम 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। हालांकि अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में फिलहाल कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से रोड शो की जा रही है।